तो भैया हम सभी ने यहाँ पर एक्स्ट्रा के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी और उस पैसे के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कमा रहे थे, बट यहाँ पर 16 अगस्त से ऐसा अपडेट कर दिया कि हमारा यहाँ पर जो पैसा फंस गया। अब सभी लोग बोलेंगे ये बात आप हम सभी को क्यों बता रहे हैं, ये तो हमको पता ही है। मैं जानता हूँ ये आप सभी को पता है, बट इस बात में एक यहाँ पर सच्चाई छुपी है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि बैंकों में पैसा पड़ा रहता है, उसके ऊपर हमको कुछ ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिलता है और हम चाहते हैं बैंकों के अंदर हम यहाँ पर ना जाकर हम यहाँ पर किसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर अपने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट कमा लें। बट यहाँ पर अब इस प्रकार एकदम से चेंज आया कि लोगों को यहाँ पर हड़कंप मच गया और यहाँ पर अपने पैसे लेने के लिए यहाँ पर होड़ मच चुकी है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, पैसा आपका कहीं नहीं जाने वाला, पैसा तो मिल जाएगा, बट मैं आप सभी को एक यहाँ पर कमेंट करने को बोलूँगा कि आप इतना सब हो जाने के बाद भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या? आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का अब कहीं इरादा है? जैसे कि आप सभी को पता है कि मोबीक्विक ने यहाँ पर अचानक से एक नया अपडेट जारी कर दिया, RBI ने एकदम से लोगों को झटका दे दिया और यहाँ पर उन्होंने अपना यहाँ पर रिपेमेंट शेड्यूल बना दिया, बरोबर लिस्ट निकाल दी। इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर आपको नाम बहुत सारे दे दिए और इस नाम के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ रेट लगा दिया। तो ये तो चलो ठीक है, बट यहाँ पर ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इतना सब हो जाने के बाद भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर? अब सभी बोल रहे हैं कि 12% क्लब बहुत अच्छा सेफ प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि कोई अच्छा सा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बताओ जहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। तो भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी कहीं भी मत कीजिए। बहुत से लोग होंगे कि यहाँ पर सोचते हैं मेरा एक बार पैसा निकल जाने दो, मैं कहीं और जगह रख लूँगा। इससे अच्छा आप अपने बैंक में रखें, FD करवा दें, वहाँ पर आपका पैसा सिक्योर तो रहेगा, आप जब चाहें तब चाहें अपना पैसे को सिक्योर तो रख तो सकते हैं। वो भी यहाँ पर ऐसी वैसी बैंकों में भी मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे जो भरोसेमंद बैंक होते हैं जैसे कि स्टेट बैंक, ये हो गई पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस प्रकार की बैंकों के अंदर आप रखें, क्योंकि यहाँ पर जो और भी बैंकें होती हैं जो क्लोज हो जाती हैं उन बैंकों में बिल्कुल भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट मत करें। तो यहाँ पर मैं अब सभी को यहाँ पर कमेंट करने को बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, इस बात का मुझे जवाब दें ताकि लोगों को भी यहाँ पर हेल्प हो सकेगी, इससे यहाँ पर लोगों को जानने में हेल्प होगी। तो यहाँ पर मैं बोरोवर लिस्ट में डाउनलोड कर लेता हूँ एंड इसको आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बोरोवर लिस्ट पहले भी यहाँ पर शो करवाई थी, बट यहाँ पर आपको अच्छे से मैं फिर से समझा देता हूँ। बट यहाँ पर मेरे समझाने का आप यहाँ पर सोचेंगे मैं आपको ये बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये लिस्ट फर्जी है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं फर्जी लिस्ट है। तो यहाँ पर ये फर्जी किस प्रकार हो सकती है ये बताइए। यहाँ पर RBI ने यहाँ पर इनको यहाँ पर गाइडलाइन बना दी है और RBI कहता है कि यहाँ पर आप अब अपने पैसे को बरोबर में जो उनके बंदे ही बांट पाएंगे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो उनका पैसा पहले से इन्वेस्टमेंट था वो उन्होंने अपनी मर्जी से हिसाब से लोगों के अंदर यहाँ पर पहले ही दे रखा है, तो आपको वो लिस्ट दे दी है कि इन इन बंदों को हमने आपका पैसा प्रोवाइड किया है एंड ये आपको इतने दिन में आपको वापस करेंगे। तो यहाँ पर फर्जी तो हम तब कह सकते हैं जो ये एप्लीकेशन हमारे पास आज ही आया होता, नया होता, 10 दिन पुराना होता या 20 दिन पुराना होता या 10 दिन या 40 दिन या 1 साल पुराना होता, ये तो कम से कम 15 से 20 साल पुरानी कंपनी चल रही है और यहाँ पर इसके अंदर और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमको इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं प्राप्त है। बट यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अभी अगर ये फेक होता है एप्लीकेशन तो कब से यहाँ पर इसको ब्लॉक कर दिया होता या तो RBI ने इसको हटा दिया होता, क्योंकि RBI बिल्कुल भी यहाँ पर इस तरह के फ्रॉड ऐप को यहाँ पर नहीं रखेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों ने यहाँ पर करोड़ों लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और यहाँ पर इसके अंदर इंटरेस्ट कमा रहे थे। तो यहाँ पर आप 12% क्लब के अंदर भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लोग सोचते हैं कि हम 12% के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर भी सिक्योर रहेंगे, वहाँ पर भी इस तरह का अपडेट आ सकता है, कुछ नहीं पता टाइम का, बट अचानक से वो भी अपडेट करेगा, ये देखिएगा अचानक से वहाँ पर भी इस तरह का रूल लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि RBI किसी को नहीं छोड़ेगी, वो सबको यहाँ पर अपनी एक समान ही समझती है। यहाँ पर बात करें ROI, रेट रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर जो आपका जो ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जो भी आपने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसके ऊपर यहाँ पर कितना रिटर्न आपको बनाया गया है, तो इसके ऊपर यहाँ पर 1500 रुपये के ऊपर 35.99% का इंटरेस्ट लगाया गया 21 मंथ के लिए और इसमें आपको भी यहाँ पर कमाने का दिया जाएगा और यहाँ पर कंपनी तो कमाएगी, ये सारी चीज़ें करेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार रखे गए और यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं इन लोगों में अंदर बांटा गया। अब यहाँ पर कुछ बहुत कम रुपए वाली, जैसे कि एक भाई साहब हैं जिनको 7 रुपये लगाए गए हैं और यहाँ पर ये इंटरेस्ट 15
मंथ के लिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लोन सेंक्शन करवा रखा है। और यहीं पर एस सिदिक इनका नाम है और 7 रुपये यहाँ पर बता रखे हैं। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये 7 रुपये वाले ये तो फ्रॉड होंगे, फर्जी होंगे। यहाँ पर हमको नहीं पता ये फर्जी है नहीं, बट यहाँ पर इतना समझ रहे हैं हमको यहाँ पर इसके इस एप्लीकेशन के ऊपर भरोसा था, तभी हमने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पर अपना पैसे को रखा था। तो यहाँ पर यही वीडियो बनाने का मकसद था कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी फर्जी नहीं है और ना ही ये लिस्ट फर्जी है, बिल्कुल 100% रियल है और आप इसके ऊपर भरोसा करें। तो थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके फ्रेंड, बाय।